सो डियर स्टूडेंट्स, अपने कल के टॉपिक आर्टिकल को आगे बढ़ाते हुए हम आज जानते हैं फॉर्मेट ऑफ एन आर्टिकल, यानी कि आर्टिकल को लिखने की फॉर्मेट, यानी उसका एक तरीका कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले बात आती है टाइटल और हेडिंग की, यानी आर्टिकल किस बारे में लिखा जाना है, यहाँ पर उसका शीर्षक यानी कि टाइटल या फिर हेडिंग देनी है। नेक्स्ट चीज़ आती है इंट्रोडक्शन, यानी उस आर्टिकल का परिचय के उसमें क्या कहा जाना है। तो टॉपिक शुड बी पुट इन पर्सपेक्टिव, टॉपिक जो है उसका अपना एक पर्सपेक्टिव होना चाहिए, यानी उसका एक अपना विशेष महत्व होना चाहिए। इट शुड ड्रॉ रीडर्स अटेंशन, ताकि पढ़ने वाले की पूरी अटेंशन उस पर हो। शुड गिव सम स्टार्टलिंग फैक्ट्स, यानी उसमें कुछ चौंकाने वाले फैक्ट्स हो, ताकि पढ़ने वाले का एकदम से ही इंटरेस्ट उसके इंट्रोडक्शन से ही बन जाए। नेक्स्ट आता है एक्सपोजिशन ऑफ द टॉपिक, यानी एक्सपोजिशन मीन्स कि हम उस टॉपिक के जरिए क्या बताना चाहते हैं। नेक्स्ट आता है कंक्लूजन, कंक्लूजन जब हम अपने आर्टिकल को विराम देते हैं, यानी उसको जब हम समाप्ति की तरफ ले जाते हैं, तब उसमें हमें क्या क्या देना है। उसमें हम मोरल्स दे सकते हैं, या कोई सजेशन दे सकते हैं, कोई उम्मीद अगर हम किसी से रखते हैं वो दे सकते हैं, या फिर उसमें कोई वार्निंग बता सकते हैं। थिंग्स टू रिमेंबर, अब उसमें याद रखने लायक चीज़ें क्या क्या हैं। द टॉपिक शुड बी रीड केयरफुली, यानी उस टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ा जाना चाहिए, एंड अंडरस्टूड कम्प्लीटली, और पूरी तरह से उसको समझा जाना चाहिए। द फॉर्मेट और लेआउट मस्ट बी करेक्ट, जो उसकी फॉर्मेट है और लेआउट है वो पूरी तरह से करेक्ट होनी चाहिए। डिफरेंट पॉइंट्स शुड बी एक्सप्लेन इन सेपरेट पैराग्राफ्स, और जो अलग पॉइंट्स होते हैं उनको एक सेपरेट यानी अलग पैराग्राफ में ही हमें एक्सप्लेन करना है। वर्ड लिमिट शुड बी फॉलोड, और आर्टिकल को लिखते हुए वर्ड्स की एक लिमिटेशंस भी होना ज़रूरी है।